कैडबरी के पूरे 50 साल का भरोसा एक ही दिन में खत्म हो गया जब उनके चॉकलेट्स में से कीड़े निकले, वो भी जिंदा। गाइस, कैडबरी ने अपने डिफेंस में कहा कि हमारी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती रिटेलर्स की थी, उन्होंने ढंग से चॉकलेट रखी नहीं। मगर अब तो इज्जत खराब हो चुकी थी, जरूरत थी चमत्कार करने की। कैडबरी ने डबल रैप पैकेजिंग यूज किया डबल सेफ्टी के लिए। ये सब करने में उनकी कॉस्ट 15% तक बढ़ गई, मगर उन्होंने प्राइस जरा सा भी नहीं बढ़ाया। उनकी क्वालिटी कंट्रोल टीम्स खुद दुकानों में जाके चॉकलेट्स की चेकिंग करते थे और भरोसा वापस जीतने के लिए अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। गाइस, सिर्फ 6 महीने में कैडबरी वापस से हर घर में पहुंच चुकी थी। कुछ मीठा हो जाए।